तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान, कर्नाटक में एक चरण में होगा मतदान, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 10 मई को होगा मतदान और 13 मई को होगी मतगणना, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटक में एक चरण में मतदान होगा, 10 मई को होगी वोटिंग और 13 मई को काउंटिंग होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। तो इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। एक चरण में यहां वोटिंग होगी और 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आखिर किसने बाजी मारी है कर्नाटक में, बीजेपी ने या कांग्रेस ने। तो विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आपसे कुछ देर पहले आपने देखा भी था, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीख का ऐलान कर दिया गया है। एक चरण में यहाँ मतदान होगा, 10 मई को होगा मतदान और 13 मई को काउंटिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। जो RWAs हैं, उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, कुछ RWAs ने, कि वो अपने यहाँ एक इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और अपने अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो उस दिन आ सके। सो देर इज ए फार मोर अवेयरनेस, देर इज ए क्रिटिकलिटी अटैच टू इट नाउ अमंगस्ट दी यूथ एंड ऑल्सो अमंगस्ट दी अर्बन एरियाज। इन टाइम्स टू कम वी आर श्योर वील ऑल्सो स्टेप अप आर अवेयरनेस प्रोग्राम, वील हैव वेरी टारगेटेड फोकस्ड स्वीप एंड अदर एक्टिविटीज, एंड आप सबकी मदद से आर्टिकल्स आएंगे, आपकी मदद से ये बातें लिखी जाएंगी, तो लोगों को भी बाहर निकलने का पड़ेगा। हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके लिए हमने एक काम और किया है, इस बार जो डेट ऑफ पोल है वो वेडनेसडे को रखी है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। मंडे होती तो फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी के साथ मिलती है, ट्यूसडे होता तो एक दिन की छुट्टी लेने से बाहर जा सकते हैं, चार दिन की मिलती है। अब वेडनेसडे में तो दो दिन लेनी पड़ेगी, जो जरा मुश्किल है। So this is what we have done in Karnataka to keep it on Wednesday. So I am sure that अब उतना लोग शायद नहीं सोएंगे, बाहर तो नहीं जा सकते, अब तो आ जाएंगे, मतलब फिर अपील करेंगे उनसे आपके थ्रू। दीक्षा जी ने EVM के बारे में पूछा, बहुत तुमालपुरा को जिला